north, south, east, west. मेरा वास्तु मेरा भाग्य में आपका स्वागत है। थोड़ा सा दर्शकों ने इंतजार ज्यादा कर लिया है आज, क्योंकि 4 बजे ठीक हम आपसे मुलाकात करते हैं, लेकिन ये 5 मिनट का इंतजार रहा। हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि दर्शक कितना मिस करते हैं डॉक्टर चावला की सलाहों, हमारी इस वास्तु की खास पेशकश। जाहिर सी बात है मेरा वास्तु मेरा भाग्य में आज भी हम एक खास विषय के साथ आपके सामने मौजूद है। और अब हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है, नई बात की शुरुआत की है, और वो ये कि आपके जो सुझाव आते हैं उसके मुताबिक अब हम सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, या जिन विषयों पर बात करनी है उनको तैयार कर रहे हैं। हम चाहेंगे मेल के जरिए, फोन के जरिए आप अपनी सलाह देते रहें किस तरह के विषयों पर आप बात करना चाहते हैं। आज एक महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में बात करेंगे। घर का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है किचन, रसोई घर, जहां खाना पकता है और जहां से घर में स्वास्थ्य आता है। ऐसा कहा जाता है अगर किचन ठीक है, वास्तु के मुताबिक है, तो समृद्धि और स्वास्थ्य दोनों घर में आपके बने रहते हैं। तो डॉक्टर पुनीत चावला इस पर आपको सलाह देंगे और साथ ही साथ आपके तमाम सवालों के जवाब भी। शुरुआत करते हैं मेरा वास्तु मेरा भाग्य। जी हाँ, किचन बहुत महत्वपूर्ण होता है घर में, और आज हम आपको बताएंगे कैसा होना चाहिए वास्तु के नजरिए से ठीक किचन, किस तरह से घर में स्वास्थ्य बना रहे, किस तरह से घर में, चाहे वो आपका रसोई घर के तमाम सामान हो, चूल्हा हो, गैस का चूल्हा हो, पानी का स्रोत हो, ये तमाम चीजों पर अलग अलग जानकारियां आपको मिलती रही। लेकिन आज बात होगी विस्तार से किचन के बारे में, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। 011-427-8837 और 011-237-4444 दोनों टेलीफोन नंबर लगातार आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फोन करके आप अपने घर के बारे में, आपके घर के वास्तु से जुड़े सवाल भी डॉक्टर पुनीत चावला के सामने रख सकते हैं, और साथ ही साथ इस विषय से यानी किचन से जुड़े सवाल भी आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेरा vastu@liveindia.tv हमारा ईमेल एड्रेस है, आप ईमेल के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। शुरुआत करते हैं, मुझे लगता है किचन का इंपॉर्टेंस, ये कुछ बातें मैंने कही है, लेकिन किचन का इंपॉर्टेंस वास्तु क्या बताता है? देखिए, किचन जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि खाना हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, और अगर हम खाएंगे नहीं तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते और हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, तामसिक और सात्विक दो तरीके से हम खाना खाते हैं। तामसिक फूड वह होता है, खाना वह होता है जिसमें कुछ गर्म चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कुछ मांस मच्छी वगैरह भी इन्वॉल्व होती है, तो हमारा स्वास्थ्य और हमारा मन और हमारा बिहेवियर वैसे ही हो जाता है। तामसिक मींस गर्म स्वभाव वाला, और सात्विक मींस एकदम शांत और एकदम मधुर स्वभाव। तो सात्विक खाने के लिए, सात्विक किचन के लिए क्या क्या जरूरी है, क्योंकि सात्विक अगर हम रहेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा और हम जिंदगी को जितना है उतने में जी सकेंगे। एग्रेशन बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में शांति और हमारी कंसंट्रेशन की, आकि हम अच्छा काम कर सके, बहुत जरूरी है। तो इसीलिए किचन बहुत मायने रखती है, ताकि आपके घर में शांति रहे, आप हेल्दी रहें, आप काम और उम्र रहे। इस पर हम और विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन दर्शकों के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। गुरचरण पंजाब से है। गुरचरण साहब स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए आप। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना जी, खन्ना से जी। पूछे सवाल। हेलो, सवाल पूछे गुरचरण जी। सर जी, मेरा जो मेन गेट है जी, और नॉर्थ दिशा वाला जी। जी हाँ जी, आप इस गेट के बारे में पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मेन गेट है जी, जो मेरा घर था जी, नॉर्थ दिशा वाला जी। ठीक है। हाँ जी, जेड़ा मेरी किचन है जी, वो साउथ दिशा वाला जी। ठीक है। एक ईस्ट दिशा दी पूर्व वाला जी। ठीक है। पर जेड़ा घर दा माहौल है जी, मेरा घर है एक बिगे एक पूरा जी, एक कनाल दे विच है जी। देखिए, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूँ। आप पूछना चाह रहे हैं कि आपकी किचन ठीक है और आपका गेट ठीक है कि नहीं है, लेकिन घर में आप कह रहे थोड़ी दिक्कत भी चल रही है। गेट आपका बिल्कुल ठीक जगह पर है। नॉर्थ में गेट अच्छा माना जाता है, पैसे के लिए शुभ माना जाता है। इस गेट को थोड़ा आप हल्का बनवाएं और इस पर हल्के रंग करें। और किचन भी साउथ में ठीक है, साउथ ईस्ट में सबसे बेस्ट किचन समझी जाती है, साउथ में किचन न्यूट्रल है। किचन की डिटेल्स के बारे में आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ बने रहिए, और बाकी आपके घर में अगर कुछ
अशांति चल रही है तो भी हम किचन में उसको डिस्कस करेंगे कि किस वजह से क्लैशेस होते हैं या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप जरूर प्रोग्राम में बने रहिए। और साथ ही साथ हम आपको मैजिकल टिप्स जो हमने नई शुरुआत की है मेरा वास्तु मेरा भाग्य में, कार्यक्रम के अंत में हम मैजिकल टिप्स के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं और वास्तु सम्मत अपने घर को बना सकते हैं। एक और दर्शक है सोनी मुंबई से, उनका सवाल ले लेते हैं। सोनी स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार। ये मेरे साउथ साइड सब ओपन है जी। हाँ, और मेरे एक जो लैट्रिन है वो ईस्ट फेसिंग है और एक जो बाथरूम है वो वेस्ट फेसिंग है जी। तो ये सही है क्या? और नॉर्थ साइड सब तरफ से बंद है जी। आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। साउथ अगर ओपन है और नॉर्थ बंद है तो एक वास्तु डिफेक्ट क्रिएट होता है। आप लगाइए और कुछ हल्की हल्की तस्वीरें लगाइए जिसमें पानी झलकता हो या पीला रंग करवा दीजिए नॉर्थ में, ताकि उसमें एनर्जी आ सके। और साउथ की दिशा में काफी हैवी कर्टन्स लगवा दीजिए, कोई भारी स्टोरेज करवा दीजिए, ताकि वहां की जो एनर्जीज हैं वह लीक ना हो सके। और ईस्ट का जो टॉयलेट है वह गलत माना जाता है, उसे साफ सफाई रखें और एक कोई समुद्री नमक का बाउल या एक पौधा रखें जिससे एनर्जीज वहां पर शुभ हो। लक्ष्मी है मुंबई से। लक्ष्मी जी आप भी अपना सवाल पूछिए। हेलो, हम सुन पा रहे हैं, अपना पूरा सवाल पूछिए। मेरा लड़की का बेडरूम में कंप्यूटर है, वो साउथ दीवार में है, उसमें वो ऑनलाइन एग्जाम सब लिखने का है, लिख सकता है क्या? देखिए साउथ की तरफ अगर आप कोई स्टडी दे कर रहे हैं या कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वह इतना शुभ नहीं माना जाता। नॉर्थ की तरफ पीठ नहीं होनी चाहिए, तो कंप्यूटर का जो मुख है वह आप साउथ की तरफ कर सकते हैं और आपका मुख नॉर्थ की तरफ हो सकता है। भावना है जयपुर से। भावना सवाल पूछिए अपना। भावना सवाल पूछिए अपना। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। चलिए भावना से संपर्क नहीं हो पा रहा। अब हम चाहेंगे डॉक्टर चावला, किचन के बारे में बातचीत हो रही थी तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस बारे में कि वास्तु दोष, किचन का वास्तु दोष क्या होता है, कैसे समझ में आए कि वास्तु दोष हमारे किचन में है? देखिए डिपेंड करता है कि अगर किचन में वास्तु दोष है तो हमारे घर की जो हाउस लेडी होती है, यानी कि जो हमारी मुख्य आप होम मिनिस्टर कह सकते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उन प्रकार की बीमारियां रहती हैं और खास करके कोई ना कोई सर्जरी ज़रूर होती है घर में अगर किचन ठीक नहीं है, किचन की लोकेशन ठीक नहीं है। और लोकेशन खास करके हम इसको अभी क्लियर कर देते हैं, डिटेल में तो क्लियर करेंगे ही, नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन होती है तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। बाकी किचन अगर गलत जगह पर है तो घर में कई प्रकार के लड़ाई झगड़े भी होते हैं, आपस में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, क्लैशेस हो जाते हैं या कोई कानूनी विवाद भी खड़े हो जाते हैं। किचन अगर गलत जगह में है तो फाइनेंसिस भी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, आपकी पेमेंट्स रुक जाती हैं और कई प्रकार के लॉसेस हो जाते हैं। तो इस प्रकार वास्तु में किचन का बहुत महत्व है जी। तो आपने जैसा कहा डिटेल में बताते हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम डिटेल में आपको बताएंगे कि सही किचन, वास्तु सम्मत किचन कौन सी दिशा में होना चाहिए और साथ ही साथ किचन सिर्फ दिशा से नहीं बल्कि किचन का जो इंटीरियर है वहां पर मौजूद जो सामान है उसको आप कैसे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, पानी का स्रोत कहाँ पर होता है, गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा कहाँ पर होता है, ये तमाम चीजें भी वास्तु की श्रेणी में आती है, कहाँ होना चाहिए ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ ही साथ आपके फोन कॉल्स लेंगे और वास्तु से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर पुनीत चावला एक छोटे से ब्रेक के बाद। East, West.